पाँच साढ़े पाँच सेंटीमीटर की गांठ थी। तकलीफ क्या क्या हो रही थी? तकलीफ मैंने ब्लीडिंग ज्यादा आना जाना ज्यादा, पेट में दर्द होता था, पेट में दर्द होना और काफी लंबे पीरियड और कितने साल से चल रहा था ये? करीब डेढ़ दो साल से था। तो डेढ़ दो साल से क्या सोच रहे थे आप कि फाइब्रॉइड ठीक हो जाएगा? अब वो तो इतना पता भी नहीं था ना इस चीज का, तो पता तो बाद में जब बढ़ती है। सबसे बड़ा मिथ है लोगों में कि ना जैसे बच्चेदाने में गांठ है फाइब्रॉइड है तो वो दवाई लेंगे तो ठीक हो जाएगा। तो फिर क्या होता है, एलोपैथी की लेते हैं फिर उसके बाद में लोग होम्योपैथी की ट्राई करते हैं। चलते ही फिर आपने तो मैंने आपको रोज ही नए लोग आते हैं ना हमारे पास, तो कोई होम्योपैथी दो बस एक आध साल फिर होम्योपैथी ट्राई करने में निकाल देता है, फिर एक आध साल उसके आयुर्वेद की ट्राई करने में निकाल देता है, फिर भी फाइनली क्या होता है वो जब तक गांठ अगर 3 सेंटीमीटर की है तब तक वो 6 सेंटीमीटर की हो जाती है, डबल हो जाती है, फिर भी फाइनली ऑपरेशन ही करना पड़ता है। तो अब आपने तो जैसे पता चला तुरंत डिसीजन ले लिया कि भाई तुरंत ऑपरेशन करा लिया, तब ऑपरेशन के बाद के एक्सपीरियंस बताओ कि ऑपरेशन के दौरान आपको कोई तकलीफ हुई थी? नहीं, कोई दर्द हो रहा था ऑपरेशन के बाद? नहीं, नहीं चला। कोई दर्द है पता ही नहीं चला है अभी भी। कब हुआ है ऑपरेशन? कल हुआ था। ऑपरेशन कितने बजे हुआ है? कल 2:30 के बीच में, 3 बजे चालू किया आपका हुआ था, 4 बजे ओटी से बाहर आ गए थे। और 1 घंटे में तो आपका ऑपरेशन खत्म हो गया जी गांठ के साथ, है ना? और अभी कितने बजे? 10:20 बजे हैं पूरे। जी 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 बिल्कुल नॉर्मल है और घूमने फिरने को। और सुबह कब से घूम रहे हो उठ के? कोई आधी आठ कौन घंटे 6:30 बजे साढ़े छः बजे उठा दिया था, उठा दिया था। अब आप रिकवरी देखो कि शाम के 6 बजे से सुबह 6 बजे मान लो 5:30 से, तो 6 बजे से 6 बजे 12 घंटे के अंदर आप उठ के बैठ रहे हो, घूम रहे हो और चाय पानी ले लिया है जी, और आपको कोई तकलीफ नहीं है, ये फायदा दूरबीन के ऑपरेशन का जी, जी। और आपको पूरी गांठ पूरी साबुत दिखाई गई? हाँ बिल्कुल दिखाई। तो एक ही बहुत बड़ा मिथ है लोगों में कि ना दूरबीन का जब ऑपरेशन करते हैं तो गांठ को अंदर ही काट देते हैं, जला देते हैं, बच्चेदानी निकालते नहीं, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहोगे? हम तो सबको समझाते हैं लेकिन हमारी बात समझ में नहीं आती। बीमारी को जल्दी से जल्दी वो करवाएं बीमारी को। नहीं नहीं, दूरबीन के ऑपरेशन को लेके भी मिथ है। ऑपरेशन से हमें तो बहुत अच्छा लगा, तो हमारे दोस्त ने भी करवाया था उससे पहले, इसके दोस्त भी थी तो सेम उसने तो हम तो उसी को देख के फिर मैंने की डिसीजन ले लिया कि दूसरे दिन ही भाई करवाना है। अपने भी दिखा के आओ मैडम को, तो ले जाओ। दिखाने के बाद वहां आपने बोला तो हमने तुरंत ही डिसीजन ले। आज की तारीख में मुझे ये समझाना पड़ता है मरीज को कि हाथ वाले ऑपरेशन में और दूरबीन वाले ऑपरेशन में क्या फायदा है क्या नुकसान है। जी जी। अब आप बताओ कि 3-4 दिन अस्पताल में भर्ती रह के बेड पे बेड रिडन होके रहना चाहते हो या इस तरीके से 12 घंटे के अंदर फास्ट रिकवर? अब हम तो गवर्नमेंट कर्मचारी हैं तो रहना कौन चाहता है, टाइम ही नहीं है फिर तो बहुत अच्छा। और बच्चेदानी पूरी साबुत निकाल दी गई आराम से, तो कोई जलाई नहीं, नहीं कोई अंदर नहीं छोड़ी कुछ नहीं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल साबुत निकाल दी, जो गांठ थी आपने हमको बताई वो दिमाग से बहम निकल जाए कि सीढ़ी उतर नहीं चढ़ सकते, नीचे नहीं बैठ सकते, सब कुछ कर सकते हो, पूरा पेट भर के खाना खाना है आराम से, और जो ड्रेसिंग लगाई है वो वाटर प्रूफ है, पूरा बॉडी शावर अच्छे से पूरा पानी डाल के ले सकते हो और नॉर्मल अपना घर का काम कर सकते हो। रोटी सब्जी देनी रोटी माजा वगैरह पिलाया इनको, शाम को ही पिला दिया, खाली पेट भी नहीं रखा आपको? रात के भी पी लिए थे, रात को ही पिला दिया पानी वगैरह थोड़ा थोड़ा, कई बार ले लिए नॉर्मल, तो कोई उल्टी वगैरह ऐसा कुछ नहीं, मतलब नॉर्मल है। यही हम सबको कहते हैं कि आज भी नहीं हुआ तो यही देंगे, कोई भी आए उसको सजेशन। भाई उल्टी वाली प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, हमने इनको पहले तो पानी दिया, पानी देने के बाद में थोड़ा सा नारियल एक नारियल का पानी पिलाया, उसके बाद में थोड़ा अपने माजा वगैरह फ्रूटी वो दिया, बिल्कुल नॉर्मल है, इनको कोई उल्टी वगैरह ऐसी कुछ भी नहीं है। और सुबह चाय बिस्कुट दे दिए इनको, ठीक है, घूम रहे है जो अच्छी तरह अच्छा महसूस कर रहे हैं।